वोट कटेगा? वोट उनका खरीदा हुआ है क्या? उनके घर का वोट है क्या? उनके जिम्मेदारी है वोट पे? ये वोट जनता का है, वो नेताओं का जिम्मेदारी है इस वोट पे कि मैं काटूंगा? उनका घर का वोट रखा हुआ है। काम कर रहा हूं, काम करूंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा। और इसी बात से हमें वोट, इसलिए उम्मीदवार मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टी जो जाति का नाम ले रहा हो, धर्म का नाम ले रहा हो, पैसे का नाम ले रहा हो, पार्टी का नाम ले रहा हो और वो जीत के कुछ करना नहीं है और जाति जाति बोल के वो चुनाव जीत रहा है। तो इसी के खिलाफ तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं इस बार जीत रहा हूँ और पार्टी वाले के उसकी औकात पता चल जाएगा। काम देखेंगे इस बार जनता और मैं वादा करता हूँ 2.5 साल में जितना मैं काम करके दिखाऊंगा 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा यहाँ पर काम के मामले में। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ एक बार। मेरा नाम संजय साहनी है और संजय कुमार भी बोलते हैं और दोनों नाम मेरा है। सो मैं एक उस वर्ग से आता हूँ जिसके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ और वह बहुत बड़ा मुद्दा है अभी का चुनाव लड़ना। मेरा खास करके इसी का फोकस है और मैं अगर जीत जाता हूँ यहाँ कुंडी विधानसभा से तो संजय साहनी नहीं जीत रहा है बल्कि मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान ये लोग जीत रहे हैं और उनके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और करता रहूँगा। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो, चाहे वो माता बहनों का सवाल हो, हर चीज़ पे मैं लड़ाई लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। और इन्हीं कारणों से मैं बहुत बड़ा निर्णय लिया हूँ कि मैं किसी पार्टी के टिकट पे नहीं चुनाव लड़ूंगा, मैं खुद निर्दलीय लड़ूंगा ताकि मैं संघर्ष कर सकूं और उनके लिए काम कर सकूं। साहनी का वोट तुम कैसे निकटेंगे? संजय साहनी की कहानी सिर्फ साहनी से जुड़ा हुआ नहीं है, वह उसके साथ काम से जुड़ा हुआ है और हम सिर्फ एक जाति की बात नहीं कर रहे, हम समाज की बात कर रहे हैं, मुद्दा की बात कर रहे हैं। और जिनको वोट देना है, और संजय साहनी रहे या संजय राम रहे या संजय पासवान रहे, जो अच्छा काम कर रहा है वो सभी समुदाय वोट देंगे। यही जातिवाद को तो तोड़ना चाहते हैं हम कि ये कैसे टूटेगा, तोड़ेंगे ना। अगर संजय साहनी जैसे लोग खड़ा हो रहा है और संजय साहनी को हर समाज से अगर वोट आ रहा है तो जातिवाद टूट रहा है। मैंने तोड़ा पिछली बार मुझे 5,000 वोट आया, बहुत साधारण चुनाव में 5,000 वोट आया, मैं लड़ा और उस तरह से मैं अभी भी लड़ रहा हूँ। पिछली बार तो मैं सीखने के लिए लड़ा था और इस बार तो मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। तो कोरोना काल में बताया पहले कि मैं उन मजदूरों में से खुद मजदूर हूँ जो बिहार के लाखों मजदूर अभी परेशान है, उसमें से मैं खुद एक हूँ। लॉकडाउन में लोग फंसे हैं, मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर फंसे थे, हमारी एक पहुँच हुई है। मैं मजदूर से हूँ फिर भी एक पहुँच हुई है। मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया था, उनसे अनुरोध किया था कि हमारे समाज से, हमारे गाँव से, बिहार के अलग अलग हिस्सा से लोग फंसे हैं बाहर, आप उन्हें मदद कीजिए। और लोगों ने हमारे बातों को भरोसा करके उन प्रवासी मजदूरों को मदद किया और 2-4 लोगों को नहीं किया, 26,000 मजदूरों को हमने मदद कराया और 3.25 करोड़ रुपए बिना विधायक बनते हुए भी। अगर मैं विधायक बन जाऊंगा तो सोचिए कितना करोड़ मैं उनके लिए ला सकता हूँ। जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जनता यही तो चाहती थी शुरू से कि कोई आवे हमारे साथ ऐसा जो हमारे साथ चलने वाला हो, हमारे मजबूरी समझने वाला हो, हमारी समस्याओं को समझने वाला हो, हमारे मुद्दे उठाने वाला हो। तो उनको तो इससे अच्छा उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। कितना भी नेता जाति जाति चिल्ला ले, लेकिन इस बार वोट एक निर्दलीय को होगा। इसलिए होगा क्योंकि उनको भरोसा है कि यह निर्दलीय काम करेगा और 2.5 साल में एक निर्दलीय का काम देखेंगे इस बार जनता। सच का आईना।